एपिसोड की शुरुआत होती है सिन को अपने बैलून के ऊपर बैठ के हर जगह एक फोटो खींच रहा होता है और ये लोग कामयाब होते हैं एक मैप बनाने में उस एरिया का। फिर ये लोग एनालाइज कर रहे होते हैं, उस मैप को ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर जो ग्राउंड वाली टीम होती है वो जंगल में निकल जाती है और वो जगह चेक कर रही होती है और ये लोग ढूंढ रहे होते हैं ऑयल। उसके बाद हार्वेस्ट वाला सीजन आ जाता है और ये लोग गेहूं को काटना शुरू कर देते हैं और हार्वेस्ट करते हैं। फिर ये लोग बहुत सारा क्रॉप इकट्ठा कर लेते हैं, ये लोग स्टेबल क्रॉप एक्वायर कर लेते हैं और उसके बाद जो फ्रैंकोइस होती है वो 3-स्टार रेस्टोरेंट खोलने वाली होती है और वो मेन्यू बनाने की तैयारी कर लेती है और वो इंग्रेडिएंट रेफरेंस के लिए फोटोज यूज करने वाली होती है। फिर जो रियूज होते हैं वो अलग अलग फूड्स के बारे में सोचने लगता है। गेन बोलता है ये सारी चीजें इम्पॉसिबल होंगी क्योंकि हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट प्रेजेंट ही नहीं है। रियोशि बोलता है अगर फ्रैंकोइस ने बोल दिया है तो वो इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता और वो ढूंढ के रहेगी और बना के रहेगी। और फ्रैंकोइस बनाने वाली होती है बो रिलेट्स विद ब्लैक ट्रफल और इसको पता था ये सारी चीजें होने वाली है, इसलिए वो एक एक्सपर्ट को अपने साथ लेके आई है जिसको नॉलेजेबल है फ्लोरा एंड फौनों का इशिगामी विलेज के और वो कोई और नहीं स्वीका होती है। पहले वो तो ब्रेड देखती है, ब्रेड खाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो मैप देखना शुरू करती है और उसके ऊपर में फैंग लगा के ये लोग देखते हैं और ये फुटस्टेप्स देखते हैं बोर्ड्स के और उसके बाद ये लोग बोर्ड्स को पकड़ने चले जाते हैं और बहुत सारे सुअरों को अपने साथ उठा के ले आते हैं और उनके बच्चे को भी। इनको मीट तो मिल चुका होता है लेकिन ट्रफल कहाँ से लाएंगे। और फिर ये होती है अपनी आंखें फाड़ फाड़ के ब्लैक मशरूम को देखने लगती है। कोआको बहुत ही ध्यान से फोटोज को देखती है और ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और जो इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है और उसको मिल भी जाता है ब्लैक डायमंड और वो कहती है ये ब्लैक स्पॉट कैसे है, ये सस्पिशियस है और वो ऑयल की तरह लगता है सिनकू को। हालांकि ये ढूंढने जाते हैं उस एग्जैक्ट जगह को लेकिन ये जगह उन लोगों को कहीं मिलती नहीं है और जो ट्रफल ढूंढने के लिए ये सूअर का इस्तेमाल करते हैं और स्वीका और फ्रैंकोइस ये दोनों उसके पीछे जाते हैं और ये सूअर को बांधते हैं। सूअर आगे चल रहा होता है, वो ट्रफल ढूंढता है, उसके बाद गड्ढा करती है और उसके अंदर से ट्रफल निकल जाता है लेकिन इन लोगों से लेने से पहले वो ट्रफल खुद से खा लेता है। लेकिन स्वीका और चाक जो होते हैं दोनों मिलके फिर ढूंढना शुरू करते हैं और जो चाक होता है वो पूरे ग्राउंड को उसी सेंट को सूंघते रहता है और उसको जगह मिल जाती है, गड्ढा करता है और उसको ट्रफल वहां पे मिल जाता है। ये लोग फोटो लेके ऑयल की तलाश कर रहे होते हैं लेकिन वो ऑयल कहीं मिलता नहीं है। सेंट को सोच रहा होता है मेरा दिमाग खाली इतने ही चीजों के लिए सही है लेकिन कुछ ना कुछ मैं मिस जरूर कर रहा हूँ उस चीज में, कोई बहुत ही हिलेरियस हिंट। और वो अपना दिमाग दौड़ाने लगता है और इसका दिमाग जाता है सीधे सुअरों के ऊपर। जो सुअर होते हैं वो ऑयल के अंदर रहते हैं और उसमें कूदते हैं और यह डिस्कवरी हुई थी बहुत पहले जब सुअरों को खेलते हुए पाया गया था कुछ कचरे में जो कि ऑयल होता है। और वहाँ पे जो फ्रैंकोइस होती है वो सुअर को बांध देती है, उसको मारने की तैयारी कर रही होती है और कहती है कि अब हम ट्रफल मिल चुका है तो हम इसको मार के इसका खून बहा के और रेलेट बनाने की तैयारी कर देंगे। लेकिन उसको भी महक आ जाती है और कहती है कि सुअर के ऊपर से कोई स्ट्रेंज सेंट ऑफ ऑयल आ रहा है और सेंकू आता है पीछे से दौड़ता हुआ कि प्लीज रुक जा उसको मारना मत। उसके बाद सेका जो होती है वो सुअर से कहती है कि उस मल्ट पे ले चल जहाँ पे तू खेला करता था और ये उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर बना लेते हैं। वो सुअर आगे भाग रहा होता है, ये सारे लोग उसको पीछे भाग रहे होते हैं। सारे ही लोग इंप्रेस होते हैं कि इसने सुअर को भी इतनी जल्दी टेम कर लिया है, उससे फ्रेंडली हो गई है, उसका नाम दिया रखा है इसने सगारा और इन लोगों का एक्वायर हो जाता है वो ऑयल। सेंकू उस मिट्टी को उठाता है, उसको एक डिब्बे में रखता है और जला के देखता है, उसमें से आग निकलने लगती है। तो यानी कि ये चीज जो है वो ऑयल ही होता है और ये लोग डिस्कवर कर चुके होते हैं अब ऑयल। उसके बाद ये लोग क्लीन करना शुरू कर देते हैं लेकिन अभी स्वीका को अचानक से रियलाइज होता है कि इस सुअर को तो ये लोग मारने वाले हैं, उसका मीट दिखाने वाले हैं और वो सोच के रोने वाली ही होती है। तो सेंकू कहता है फ्रैंकोइस ये मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, क्या हम इसको सच में मारेंगे या फिर नहीं। तो फ्रैंकोइस जो होती है वो कहती है कि इसके ऊपर ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा बहक आएगी तो हम इसका मीट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये सुअर होता है वो बच जाता है और उसके बाद जो सेंकू होता है वो एक मोटर बोट बना लेता है और वो तैयार कर देता है इसको राइड करने के लिए। उसके बाद तेल वेल लगाया जाता है, डाला जाता है और इसके अंदर ये हाई क्वालिटी जो ऑयल होता है वो पड़ जाता है और इस गैसोलीन के इस्तेमाल से ये लोग अब राइड करने वाले रहते हैं इस बोट को और ये राइडिंग शुरू हो जाती है। ये बहुत तेजी से कुछ किलोमीटर आगे निकल जाते हैं और जो कोस्ट होता है जो किनारा होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब क्रोम पहली बार इतनी दूर आया होता है तो वो देख के पागल हो रहा होता है कि ये कितनी अमेजिंग चीजें हैं। उसके बाद सेंकू इन लोगों के ऊपर एक और बम फोड़ता है और कहता है कि हम बनाने वाले हैं GPS, जो सुन के सारे शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो GPS सिस्टम होता है वो सैटेलाइट के द्वारा काम करता है और इस वर्ल्ड में सैटेलाइट तो है नहीं, तो आखिर वो चीजें कैसे वर्क करेंगी। तो ये लोग यूज करने जा रहे होते हैं लैंड बेस्ड रेडियो बेकाउन जिसकी मदद से ये लोग सिग्नल भेजेंगे और उससे ये लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और GPS अपना बना सकते हैं। वाटर व्हील की मदद से ये एक पावरफुल बैटरी भी एक्वायर कर लेते हैं, आप बना लेते हैं जिससे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले होते हैं और
और सेल फोन का फुल पोटेंशियल निकालने वाले होते हैं। और उसके बाद ये लोग ऑन कर देते हैं उस मशीन को और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ऑन हो जाती है, टेस्टिंग रेडियो पे कॉल शुरू हो जाता है। जो ओकी होता है वो अपना एंटीना तैयार करने लगता है और फिर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। इधर से रूरी बोल रही होती है और रूरी की आवाज़ उधर जाती है, जिससे साथ वाला होता है वो उसे मजे लेता है और कहता है कि तू अपनी फीलिंग्स को भी बता सकती है क्रोम को। लेकिन तुरंत ही तभी कोई रेडियो में नॉइस आने लगती है और ओकी जो होता है वो बताता है कि ये नॉइस नहीं है, ये किसी और की फ्रिक्वेंसी है, कोई और अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करवा रहा है हमारे उससे और उसके सिग्नल्स आ रहे हैं। और उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी को रीड करते हैं और पता चलता है कोई वाई करके वर्ड बोल रहा होता है। फिर सेंको समझ जाता है कि ये वही मास्टरमाइंड है जिसने ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन की शुरुआत की थी। और सेंको बोलता है कि हम जल्द ही मिलने वाले हैं, 3700 साल बाद मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल जो था ये कहानी काफी ज्यादा अच्छे से आगे जा रही है। सेंको एक एक नई नई डिस्कवरियां हर एपिसोड में बना रहा है। तो इस एपिसोड में उसने ऑयल को भी डिस्कवर कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है इस दुनिया में। तो इस एपिसोड में बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।